भाई अभी मेरे हेयर कट होने वाला है यहाँ पर, और आई एम रियली गोइंग टू एंजॉय। थैंक यू 280 रूबल्स में मेरा कट होने वाला है, जो मैं अपने इंडिया में कर काटने वाला हूँ। तो भाई आपके बाल, भाई की बाल कटिंग हो चुकी है, और आप देखो आपका भाई एकदम हैंडसम लग रहा है, नया बंदा, नया स्टाइल। मैंने यार सोचा यार काफ़ी दिन हो गए वही पुराने। दरअसल She's very much interested. Как тебя зовут? Оксана. Тебе бы что нужно? Очень приятно, я его как зовут. Очень приятно. Здравствуйте. Ваши я Чебоксары. А люди, инди люди, смотри это видео. Понял? Видео смотри. Где смотри? А YouTube видео. YouTube? Ты туда отправляешь, да? А? Туда отправляешь? Да. Когда будет? А меня зовут? На будет? Да. Тебя зовут? А я не понял. Как тебя зовут? А, меня зовут Баги. А, это видео когда будет в Ютубе? А, Ютуб channel, Ютуб видео. Сегодня будет? Ну, нет, три недели. Три недели, будет, да? Три недели, да. Хорошо. Пока. Пока. А как тебя зовут, Тухой? Баги. Баги? Баги. So, thank you so much for telling me the saloon name. I mean, this saloon. Это very good, very good девушки. Yes, very good woman, and she cut very good. Really? Yeah. Thank you so much for telling me. And I will come maybe потом to buy some fruits from you. Okay. 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 Because maybe watermelon. It's so big. How much kolka for watermelon? For one bigger one. Just one week, how much it will be? 500. Okay, I will come and take. Maybe after 3-4 hours, I put you first, your gurad, and then come here. Okay. Okay? Thank you so much for helping me. So, abhi main ja raha hun, bhai. Our, it will be really interesting. So, bhai, main ek chote se restaurant pe aaya hun, usi se. Aur, yahan par bol rahe hain ki, it's, main ye kha raha hun. Iske saath, rees for bull liver. Как тебя зовут? Армянка. Я Армения. Армения? О, кул, кул. Ты работаешь здесь, это ресторан? Да, это наш. Ача, я армянец, и я там работаю. It's very interesting. And I will try now this. Привет! Привет! Инди люди, привет! Инди люди, привет! So, бог мост, да? कुछना कुछना ओचिन कुछना, और ये बहुत बहुत मस्त है। साथ में हाँ मायोनेज चुचुत। तो मतलब अब मेरे को मजे करने वाला हूँ। ऑलमोस्ट 150 रूबल में चावल, चिकन लीवर, ब्रेड, और ये फेसिबा। सो गाइस, खाना तो बहुत बढ़िया था, एकदम चंगा और मस्त। लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत फ्रेंडली है यार। आपका भाई का न्यू स्टाइल होते ही लोग और ज़्यादा मतलब अट्रैक्ट होने लगे अपने पास। कभी कभी होना पड़ता है, अगर आपको कुछ पाना है तो कुछ करना पड़ता है। तो एनीवे, आई रियली लाइक इट। मैंने भाई देखो, सीधी सी बात है, मजाक कर रहा हूँ। मैंने पटाने के लिए या किसी को लिए नहीं किया, मेरे को बस अच्छा लग रहा था, मेरे को कटाना था बाल, इसलिए मैंने ऐसे कटाया, और कुछ नहीं है रीज़न। ठीक है, उल्टा पुल्टा मत सोचना, और ना उल्टा पुल्टा कमेंट करना प्लीज़। सोचते ज़्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है, बस मन कर रहा था। गर्मी का मौसम था, मुझे बाल बड़े होते तो पसीना आते तो अच्छा नहीं लगता, राइट? इसलिए मैंने ऐसे किया। अभी सेंट्रल मार्केट से निकल चुका हूँ। देखो भाई, एक चीज़ है, मेरी जो बाल कटिंग का कॉस्ट पड़ा वो 300 रुपीज़ रखा, बिकॉज मैंने बाल वॉश भी करवाया और ये भी कटवाया, तो उन्होंने बोला 300 दे दो, चलेगा। तो 300 में मेरा हो गया, और अब मैं जा रहा हूँ अपने अपार्टमेंट में, और कीज़ लूँगा जहाँ पर, जिस अपार्टमेंट में मैं कल रुकूँगा, क्योंकि आज होस्ट ने रिक्वेस्ट किया कि आप मेरे साथ ही रुको। मैंने बोला ठीक है, आए और अपन कल उस अपार्टमेंट में रुकेंगे। गाइस, इसी साइड मैंने अभी घर लिया है, ये देखो, मैं दिख रहा होगा कि नहीं, आई डोंट थिंक सो, मैंने दिख रहा हो, थोड़ा सा आगे जाके मेरे को अभी मिलेगा घर, अब देखते हैं कहाँ मिलता है। सो गाइस, मैं आ चुका हूँ अपने मतलब जहाँ पर मैंने बुक किया था, उस जगह पर आ चुका हूँ, और इट विल बी आई थिंक नाइस। It's very nice because it's like not like apartment. It's like home. It is interesting, yeah. So. Outing kitchen. हाँ, दा. So अभी मैं इधर देखता हूँ कि कैसे मेरे को रूम मिलता है. So it will be really interesting. भाई साहब, मैं आपको अपार्टमेंट दिखाने वाला हूँ, जो आपको
बताता हूँ कि कितने का पड़ा वो भी बताऊँगा। ये ओल्ड स्टाइल अपार्टमेंट है बट इट कॉस्ट मी अराउंड 2500 रूपल्स दो दिन का, विच इज़ आई थिंक नॉर्मल प्राइस। तो ये एंट्रेंस है, ये एंट्रेंस है यहाँ से, और उसके बाद ये है टॉयलेट, आपको दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप आराम से मतलब नहा सकते हो। और ये चप्पल का है, यहाँ से चप्पल लेना है आपको, चप्पल पहनना ज़रूरी होता है यहाँ पर। उसके बाद ये होता है, सॉरी यार, वो बाथरूम था, ये है टॉयलेट। ठीक है, उसके बाद ये है किचन, और सारी चीज़ अवेलेबल है आपको इंक्लूडेड, जिसमें ये स्टोव होता है, माइक्रोवेव मिलेगा आपको, बेसिन का मिलेगा, प्लेट्स और खाना बनाने का सब कुछ है, एंड फ्रिज ऑब्वियसली। तो यहाँ पर आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठ के एंजॉय कर सकते हो व्यू का, सी द व्यू इज सो वंडरफुल, वंडरफुल व्यू। अब आप बताओ यार, ऐसा व्यू के साथ अगर आप अपने मतलब गर्लफ्रेंड के साथ बिताओगे तो कितना बढ़िया लगेगा, है ना। तो फिर इसके बाद जो आता है वो है ये लिविंग रूम, जिसमें सोफ़ा, टीवी और ओबियसली व्यू एंड द बेड, ये है। और ये आपका भाई, राइट। तो भाई ये है, फिलहाल मैं किसी के साथ नहीं, आई एम अलोन, इट्स ओके, आई जस्ट वॉन्ट टू स्पेंड टाइम विथ माई सेल्फ। मुझे अकेला रहना कभी कभी पसंद है, इसलिए मैं सोचा यार क्यों ना मैं ले लूँ और फिर थोड़ा दिन स्टे कर लेता हूँ। तो अभी मैं दो दिन के लिए मतलब लिया है, बट ऑब्वियसली मेरा जो होस्ट है उन्होंने बोला कि प्लीज़ आप हमारे साथ रहिए आज एक दिन। मैंने बोला चलो ठीक है, रह लेता हूँ। तो फिर भी ये बुक्ड था, ऑलरेडी पेड था, इसलिए मैंने सोचा चल ठीक है। अब मैं आपको बता दूँ, ये मैं कोई अमीर नहीं हूँ भाई, सीधी सी बात है, मेरे जो दोस्त हैं उन्होंने स्पॉन्सर किया है, मेरे दोस्त लोग मेरे को स्पॉन्सर करते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो इसलिए ऐसा मत बोलना कि भाई बहुत अमीर है बंदा, कोई अमीर नहीं हूँ, नॉर्मल हूँ। तो 2500 में दो दिन के लिए अपार्टमेंट कितना बढ़िया रहेगा, आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आराम से टाइम भी स्पेंड कर सकते हो, खाना बना के खा सकते हो। और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ इस अपार्टमेंट का, वो है कि इसमें टेम्परेचर भी बताता है, ये देखो कितना टेम्परेचर है अभी, जैसे चल रहा है ऑलमोस्ट 30 डिग्री, इस रूम का टेम्परेचर ऑलमोस्ट 30 डिग्री है। देख लो, गर्मी रशिया में भी होती है, ज़्यादा नहीं होती बट होती है। तो फिलहाल आपका भाई आधा एक घंटा रेस्ट करेगा, उसके बाद यहाँ से सिटी सेंटर की तरफ जाएगा, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें देखेगा और आपको दिखाएगा, इस सिटी के बारे में भी कुछ अच्छी जानकारी इंफॉर्मेशन आपको देगा। मैंने रेस्ट कर लिया है, अब मैं थोड़ा सा एक्सरसाइज करूँगा। देखो इतना ब्यूटीफुल व्यू, यहाँ पर रुका हूँ मैं। तो आपका भाई का किस्मत बहुत अच्छी थी कि रुकने का मौका मिला ऐसी जगह पर। तो अभी बस मैं वॉकिंग कर रहा हूँ और मैं सिटी घूमूंगा, मैं कोशिश ये करूँगा कि जितना हो सके मैं वॉक कर सकूँ और आपको सिटी दिखा सकूँ, बिकॉज़ ये सिटी बहुत बड़ी नहीं है कि भाई इसमें कोई टैक्सी या बस में जाने की ज़रूरत पड़े। आप दो दिन में इस सिटी को पूरा एक्सप्लोर कर सकते हो, वैसे तो चाहो तो एक दिन में भी कर सकते हो, डिपेंड ऑन यू कि आप कैसे एक्सप्लोर करना चाहते हो। कुछ चीज़ें मैं इस सिटी के बारे में बताऊँगा, ये देखो दिस इज़ द अपार्टमेंट, आई मीन होम इन विच आई एम लिविंग, आई एम स्टेइंग नाउ। तो भाई मैं आपको कुछ चीज़ें मैं बताता हूँ इस सिटी के बारे में। सबसे पहली चीज़ तो, ओ हाँ दिख रहा हूँ, दिख रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज़ तो भाई ये है इम्पोर्टेंट, ये जो चिबोक्सारी है ये एक सिटी है, बहुत ही छोटी सिटी है, ठीक है, निजी नोवोग्रोड और कजान के बीच में है, पड़ता है ये सिटी। और ये सिटी एक्चुअली क्या है कि चुवास जो रीजन है, जो चुवास रिपब्लिक है, इसकी कैपिटल है। अब रशिया में ऑलमोस्ट मोर देन 20 बोलते हैं रिपब्लिक है, ठीक है, अलग अलग जैसे स्टेट मान लो आप, ठीक है, और जिसमें से चुवास रिपब्लिक भी वन ऑफ दिस रिपब्लिक, और इसमें चिबोक्सारी एक इस स्टेट का कैपिटल है, इस रिपब्लिक का कैपिटल है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर मैक्सिमम आपको चुवास पीपल, रशियन पीपल, अर्मानियन पीपल, टर्किश भी, और बोलते हैं बुल्गारिया की भी पीपल मतलब लोग रहते हैं यहाँ पर। इसकी पॉपुलेशन मुश्किल से 500,000, 500 से 700, मतलब 5 से लेकर 8 लाख बोलते हैं कि इससे ज़्यादा नहीं है, जो कि हैरानी बात है। इससे ज़्यादा इस सिटी की एक बात बताऊँ तो यहाँ पर वोल्गा रिवर इस सिटी से जाता है, पोर्ट भी है एक इस सिटी में, इसलिए इस सिटी को बहुत मतलब मानते हैं कि बहुत अच्छा है ये, वोल्गा रीजन में सबसे बेस्ट ब्यूटीफुल सिटी, वन ऑफ द बेस्ट ब्यूटीफुल सिटीज़ में आता है ये सिटी। यार सिटी कितना ब्यूटीफुल है, कितना ब्यूटीफुल है। और सबसे बढ़िया चीज़ बसेस पुराने हैं, मॉडल है,
तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ लगी है इस सिटी के बारे में मुझे ये है कि यार इस सिटी में मैं आया इसलिए मैं टूरिज़्म बढ़ाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ अपने इंडियंस इस सिटी पे आए, इतना ब्यूटीफुल है। वैसे तो ऑलरेडी लोग बोलते हैं कि इंडियन स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ रहे हैं, हालांकि मुझे नहीं पता कितना क्या पढ़ रहे हैं, बट मैं चाहता हूँ कि और लोग आए इस सिटी में और एक्सप्लोर करें इसको अच्छी तरह, जैसे एक हफ्ता रह के, समझ गए। बहुत ब्यूटीफुल सिटी है। अभी मैं वॉकिंग कर रहा हूँ, कोई पॉइंट है जब जाऊँगा तो बताऊँगा। भाई यहाँ के घरों के स्टाइल्स देखो यार, कितने इंटरेस्टिंग है, देख माशाल्लाह क्या जगह है, लोग साले राजाओं की तरह रहते हैं यहाँ पर, ये देखो। और अपन बोलते हैं सिटी सिटी, अरे घंटा सिटी भाई, ऐसी सिटी में रहो ना तो अलग ही मजा है। ये देखो कितना तगड़ा है, सुपर। ये देखो भाई ऐसे लोगों पे, ऐसे जगहों पे लोग रहते हैं यहाँ पर। भाई व्यू देखो, क्या व्यू है पीछे का यार, एकदम माशाल्लाह। मैं तो मतलब खुश हो गया यार ऐसे व्यू देख के, क्या व्यू है, क्या व्यू है, माशाल्लाह। आई लव दिस व्यू, वंडरफुल, सुपर। आप बताओ ऐसी व्यू देख के किसका मन खुश नहीं होता, इतना खूबसूरत लग रहा है। माँ कसम मेरे को सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को भी इतना खूबसूरत नहीं लगा जितना ये सिटी लगा। ये देखो वापिस देखो कितना खूबसूरत है एकदम। एक्चुअली ये सिटी लगभग आप बोल सकते हो कुछ पोर्शन मतलब माउंटेन के ऊपर ही बना हुआ है, ये बोल सकते हैं आप। देखो भाई केंदा क्या है ये पेंदा, ये भाई बोट लग रहा है मुझे, बट इंटरेस्टिंग है क्योंकि ऐसे पहली बार देखा मैंने। देखा स्टैचूज देखे लोगों को, देखो बंदा भाग भी रहा है, स्टैचू देखे किसी पॉपुलर बंदे का ये वो, बट ये तो अलग ही है स्टाइल। गाइस सामने जो देख रहे हो ना पानी, ये वोल्गा रिवर का ही पानी है, आगे साइड से वोल्गा रिवर ऐसे बहता है। अभी तो मेरे को बहुत चलना पड़ेगा। वो देखो भाई ये पता नहीं डक है या स्वान है पता नहीं, लेकिन कितने खूबसूरत है भाई। कुछ भी कहो ये सिटी मुझे बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगी है। उफ पसीना बहुत ज़्यादा आ गया, बट मेरे को अच्छा लगा ये सिटी बहुत। मैं तो आप सभी को ये रिकमेंड करता हूँ कि आप सभी इस सिटी पे आओ भाई, कुछ भी हो जाए आना ज़रूरी है आप सभी को। मैंने आपको बोल दिया आना है पक्का, कुछ भी हो जाए। देखो आप व्यू दिखाता हूँ मैं आपको कितना खूबसूरत है, ये देखो चारों तरफ का व्यू देखो। ये बताऊँ तो ये सिटी अभी भी डेवलपिंग फेज़ में है, अगर आप सही तरीके से अगर जानना चाहते हो तो ये सिटी अभी भी डेवलप हो रहा है। मुझे लगता है आने वाले 5 साल में या हाँ 5-7 साल में ये एकदम टूरिस्टिक बन जाएगा, बट अभी ये डेवलप हो रहा है क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी जगहों पर ये लोग अभी भी बना रहे हैं ये चीज़ें। वो देखो वहाँ पर भी अगर आपको दिख रहा हो वहाँ पर भी डेवलप कर रहे हैं ऊपर से सीढ़ियाँ, तो डेवलपमेंट पीरियड हो रहा है, जैसे ये भी डेवलप हो रहा है पूरा, तो डेवलप हो रहा है। आई होप फ्यूचर में ये ग्रो करे टूरिज्म में। भाई ज़िंदगी इसको बोलते हैं, कोई कुछ करने वाला नहीं कुछ बोलने वाला नहीं, मस्त जाओ, वाह सुपर। तो गाइज अभी हम जिस जगह पे हैं उस जगह का नाम है चिबोकसारी बे, इसको बे बोलते हैं हम लोग हम लोग गूगल बोलता है। तो यहाँ से भाई मैं दिख नहीं रहा हूँ तो कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेना, अंधेरा है थोड़ा इसलिए। और इस जगह पे ही मतलब एक टाइप का टूरिस्ट अट्रैक्शन है कि यहाँ पर देखो कितना अच्छा पानी है, लेक है, और साथ में वो ट्रेड क्या बोलते हैं उसका यार, जहाँ पर जिसमें आप बैठ के पूरी सिटी देख सकते हैं वो चीज़ है, और मतलब आप वहाँ से पूरी सिटी देख सकते हो ठीक है। और इंटरेस्टिंग रिवर है, खास तो कुछ नहीं है बट यही है, अब जो है उसी को इन्जॉय करना पड़ेगा। बट यार ब्यूटीफुल बहुत है यार, मैं बोल रहा हूँ बहुत ब्यूटीफुल है, लफ्ज़ों से नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यार इतना शांत और इतना ब्यूटीफुल जगह मैंने रशिया में अभी तक जितने सिटीज़ घूमे हैं नहीं देखा मैंने, काफ़ी ब्यूटीफुल है। अभी मैं वहाँ जाने की कोशिश करूँगा, वहाँ देखूँगा क्या है क्या वहाँ पर। एक्चुअली बस इतना मेरे को पता है कि ये पानी है, लेक है, बे है, चिबोक्स लेक बोल के वोल्गा रिवर का ये पार्ट है, तो बस यही एक अट्रैक्शन है जिससे आप यहाँ से चर्चेस देख सकते हो अलग अलग टाइप के, और बिल्डिंग्स आर्किटेक्चर देख सकते हो, पूरी सिटी देख सकते हो यहाँ से एक टाइप का। सिटी की खास बात ये कि ये बोलते हैं ऐसे कि 13th century में मतलब फाउंड किया था, बट यार एक्चुअली अगर देखा जाए ना सिटी डेवलपमेंट 19th century से हुआ, बिकॉज
19 सेंचुरी से ही तो यहाँ पर सिर्फ 5000 लोग ही रहना स्टार्ट किए हैं, तो डेवलपमेंट भी ओबियसली तभी से स्टार्ट होगा ना, कॉमन सेंस है। देखो मेरे को हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मैं जितना पढ़ा है उतना मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये जो आर्किटेक्चर आप देख रहे हो वो ज़्यादा पुराने नहीं है, कुछ बिल्डिंग्स पुराने हैं वो सोवियत यूनियन टाइम के, जब रशियन आर्मी जब यहाँ पर इस एरिया से जाते थे तो लड़ाई के लिए जो भी है, उस टाइम के बिल्डिंग्स बने हुए हैं कुछ, बट मैक्सिमम आर्किटेक्चर नए हैं। तो यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है बोल सकते हैं कि भाई बहुत पुराना आपको आर्किटेक्चर मिलेगा, ठीक है। जैसे ये देखो स्ट्रक्चर, ओके, सी इज़ द मदर पैट्रोनस ऑफ चुवास पीपल हु बिलीव इन रिलीजन। ये उस मतलब सिंबल को रिप्रेजेंट करता है, तभी मतलब इनको मानते हैं यहाँ के पीपल, चुवास पीपल यहाँ के लोगों को मानते हैं, इस मतलब रिलीजन को बिलीव करते हैं, इसलिए शी इज़ द मदर ऑफ यू नो चुवास रिलीजन, यू कैन से लाइक दैट। तो ये मेरे को जानकारी मिला है अभी तक, यही मुझे पता चला है इसके बारे में, तो मैंने आपको बता दिया। तो मतलब ये भी रिलीजन पे ट्रस्ट करते हैं, ये भी इन पे ट्रस्ट करते, और भी होगा बट इन पे भी ट्रस्ट करते हैं, इसलिए इतना बड़ा स्टैचू बना है। ये जो ब्रिज है वो देखो यार कितना खूबसूरत लग रहा है ये ब्रिज, और आई थिंक ये रात को बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बिकॉज यहाँ पर छोटे छोटे लाइट्स ऊपर दिख रहे होंगे, ऊपर छोटे छोटे लाइट्स है, तो इसलिए शायद ये रात को ज़्यादा खूबसूरत है एज़ कम्पेयर टू अ डे, बट एनी वे इट इज़ ओके। कम से कम मैं आया हूँ, चाहे वो दिन में हो चाहे वो रात को, उससे क्या फ़र्क पड़ता, आया हूँ वही बड़ी बात है, क्योंकि इस सिटी में मैं 2 दिन से ज़्यादा रुकने वाला भी नहीं हूँ, तो कोई मतलब भी नहीं है ज़्यादा दिन रुकने का, राइट। तो दैट्स टोटली फाइन कि मैं यहाँ पर सिर्फ 2 दिन के लिए भी आया हूँ, तो कोई उतना आई डोंट थिंक सो इट इज़ मोर बैड। और अभी तक का फीलिंग यही बोल रहा हूँ कि यार मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है, ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत फास्ट लाइफ है, लोग मेरे को देख रहे हैं, सोच रहे होंगे मन के अंदर कि अलग क्यों है, बट बहुत अच्छा लग रहा है फिर भी। बस इतना पता है कि चिबोक सार्क बे में आप एक ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर बिल्कुल पार्क्स है, मतलब बच्चों के लिए खिलौने हैं खेलने के लिए, और साथ में सी है जो कि बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल है, तो मतलब एक टाइप का ये नॉर्मल एकदम बिल्कुल बेसिक नॉर्मल प्लेस है, कुछ ज़्यादा आपको नहीं आ पाए, बट जो शांति महसूस हो रही है ना वो पैसे से नहीं खरीद सकता। इधर कितना अच्छा है देखो, पूरा झूला वूला सब कुछ है, और हरियाली है, क्लीननेस है, बच्चे खेल रहे हैं, फैमिलीज बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, देर आर लॉट्स ऑफ फैमिलीज आई सॉ हियर, लॉट्स ऑफ फैमिली विद लॉट्स ऑफ आई मीन चिल्ड्रंस, दे आई थिंक चुवास पीपल मोर बिलीव इन फैमिली, सो दैट्स व्हाई दे हैव आई हैव सीन लॉट्स ऑफ फैमिलीज रादर देन जस्ट गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड व्हिच इज वंडरफुल। लगता है ये दे स्टिल बिलीव इन रिलीजन टू मच आई थिंक सो, बट अगर कोई मौका मिलता है मुझे बात करने का किसी से तो मैं डेफिनेटली पूछूंगा ये चीज़। गाइस इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कूल गाय आई मीट जस्ट राइट नाउ, कब थी वैसे वो तोलिया और ये बंदा खुद ही आया मेरे पास और बात करने का इंटरेस्टेड था, यू वर्क इन रोबोटो हेयर ओचिन क्रशिविया ओचिन नाइस वेरी वेरी ब्यूटीफुल, मैंने बात की थी अभी कि यार तुम्हारी जो सिटी है बहुत ही वंडरफुल है, एंड वी हैड वेरी बिग लॉन्ग कॉन्वर्जेशन अभी तक, हालांकि इनको इंग्लिश नहीं समझ पाती, बट फिर वो ट्रांसलेटर हेल्प अस टू कम्युनिकेट, सो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग व्हेन यू ट्रैवल यू मीट न्यू पीपल, एंड थैंक यू सो मच बबल शो कम्युनिकेट्स एता या फील गुड फील हरोशो वेरी गुड थैंक यू सो मच। सामने घोड़ा के ऊपर लोग बैठ के, मतलब ये नकली घोड़ा है, नकली वो है, ग्रीन असली ग्रास नहीं है, बट एकदम ओरिजिनल जैसे लोग यहाँ पर बैठ के फोटो खिंचाते हैं। इंटरेस्टिंग प्लेस। ये जो सामने कासा लिखा है ना, कासा मतलब ये होता है टिकट्स, तो टिकट्स टू व्हील दिस व्हील, तो इस टिकट का व्हील है, बट मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है जाने का। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना था, एक सबसे पहली चीज़ तो वूश मलिना जो भी मतलब यूरेंट जो चलता था ना अपना मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में, वो यहाँ नहीं चलता, यहाँ दूसरा चलता है, एक का नाम है मेगो और एक का नाम है ग्रीन बी, तो अभी मैं मेगो वाला सर्विस इस्तेमाल करूँगा, ग्रीन बी में मेरा कार्ड नहीं चल रहा, शायद आपका कार्ड भी बाइंड ना हो, न्यू वाला कार्ड मतलब जुड़े ना जुड़े मुझे नहीं पता, बट मेगो में जुड़ गया तो मैं अभी इसको इस्तेमाल करने वाला हूँ, पीछे ही है।